वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पुंडरी से उम्मीदवार सतबीर भाणा ने किया जीत का दावा। बोले, पिछले 10 वर्षों से कार्यकर्ताओं से मिलने व उनके सुख दुख में साझा होने की शैली से जुड़े हमारे साथ लोग और विकास के हमने वो वायदे किए जिन्हें निभा सके, हवाई दावे नहीं किए। चलिए आगे आपको दिखाते हैं सतबीर भाणा क्या बोले। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, क्या मानते हैं, कितना मतदान हुआ है, किस प्रकार हुआ है? चुनाव बहुत शांतिपूर्वक हुआ, मैं पूरे हलका वासियों को इसकी बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो हम चाहते हैं पूरे हलके में हमेशा शांति बनी रहे और मेरे अनुरूप वो बहुत अच्छा रहा, जो मैं चाहता था वो हुआ। बहुत शांतिपूर्वक मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों और मेरी माता मेरी बहनों ने, पूरे पूरे हलका वासियों ने बड़ी शांतिपूर्वक से मतदान किया और जागरूक थे और हर साथी ये चाहता था कि हम सतीश भाणा को आगे लाए और इसको मतदान करें, ये देखने को मुझे मिला है। अपने आप को कहाँ पाते हैं इस चुनाव में? नंबर एक पर। मैंने जो पहली बार पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अब की बार जो मैं बढ़ाकर भेजा हूँ अब की बार यहाँ से जीतेगा। 5 बार का जो रिकॉर्ड है जहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार बनता आया है, तो मन बना रखा था पूरे हल्कावासियों ने अब की बार आज़ाद उम्मीदवार हम नहीं बनाएंगे। और मैंने जो 5 साल मेहनत की, सुख और दुख में गया और मेरे साथ जो पूरे हलके का मेल जोल मेल मिलाप था वो आज 21 तारीख को मतदान हुआ उसमें लोगों ने दिखा दिया। हर कैंडिडेट अपने आप को नंबर वन पे मान रहा है, क्या कारण है कि आप नंबर वन पे हो? वो तो 24 तारीख को पता चल जाएगा। मैं तो इसलिए मानता हूँ क्योंकि आज पूरे पूरे हलके से मुझे बधाई भी मिल रही है और मुझे मिलने के लिए भी पूरा हुआ, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, वो मिलने आ रहे हैं और विपक्ष भी मुझे बधाई दे रहा है। अगर आप जीतते हैं तो आप कौन सी सरकार का समर्थन देंगे, किस पार्टी को? मेरी तो पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस को समर्थन क्या देना, इसमें तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ मैं। हम लाएंगे, सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की, लगभग 50 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएगी और 71 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डलेगी और हम सरकार बनाएंगे और वो भी जनता के आशीर्वाद और प्रेम और प्यार से सरकार बनाएंगे। आपने बहुत से मुद्दे, घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जो कांग्रेस का था, बड़े बड़े मुद्दे दावे किए हैं, कितने फलीभूत होंगे? ऐसा कोई बड़ा दावा हमने किया नहीं। 5100 रुपये पेंशन का है वो 5100 रुपये करेंगे। किसान और मजदूरों का कर्जा माफ कहा है वो पहले भी किया है, अब भी करेंगे। और जो बिजली का बिल है 300 यूनिट तक का गरीब का, चाहे कोई सा भी हो, 300 से ऊपर होगा तो आधा बिल माफ किया जाएगा और 300 यूनिट तक का जो बिल है वो बिल्कुल साफ माफ किया जाएगा। हमने कोई ऐसे कोई हवाई मुद्दे में हवाई उठार नहीं किए कि हम उसको कर नहीं सके, लेकिन अब जो हमने कहा है वो आम मुद्दे है और हम करेंगे। पुंडरी की एक मांग रही है कि पुंडरी को सब डिवीजन की मांग, सब डिवीजन की मांग भी पूरी होगी, सरकार बनने दो और सरकार बनेगी तो पूरे पुंडरी हलका नहीं पूरा कैथल जिला है ये कहेगा कि बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि सरकार के साथ ही काम होते हैं और सरकार हमारी अवश्य बनेगी, उपमंडल का दर्जा भी अवश्य बनेगा। अर्थ प्रकाश के लिए कैथल से कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।